एक छोटा सा गड्ढा किसी बड़ी अनहोनी को दावत दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं गांधी घाट के एक छोटे से गड्ढे पे, जहाँ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ पे आए दिन बैटरी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो पलट जा रही हैं, ऑटो पलट जा रहा है और एक्सीडेंट आए दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र तोगी है सर। ये बताइए, आप जब यहाँ से गुजर रहे थे तो आपने क्या देखा? जी सर, मैं यहाँ से इस एरिया से गुजर रहा था, तो अभी कुछ समय पहले की बात मैं बताऊँ आपको। यहाँ सर एक टोटो बैटरी रिक्शा वाले बैठे हुए भाई साहब, उनमें चार पांच बालिकाएं जो स्कूल की थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी, वो इसमें बैठ के आ रही थी। अचानक जाम लगने से उस टोटो वाले ने जो है वहाँ पर गाड़ी रोका और उसके गड्ढे में पलट गया। अच्छा, इसकी वजह से बच्चियों को थोड़ी चोट आ गई हल्की फुल्की, और ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। अगर भविष्य में इसका निवारण नहीं हुआ तो आने वाले समय में बहुत बड़ा दुर्घटना को ये जो है आमंत्रण दे रहा है। इसके साथ साथ पुल की भी हालत बड़ी जर्जर है। ये पुल भी जर्जर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बड़ी वाहनें यहाँ से आ रही हैं, गुजर रही हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसको जो है प्रशासन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी कार्रवाई। आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो पुल है वो काफ़ी जर्जर हो चुका है और इसकी आप देख लीजिए, कभी भी कोई गाड़ी इस पुल से हो के नदी में गिर सकती है। गांधी घाट पे सिर्फ गड्ढे की परेशानी नहीं है, जो कि इसके साथ में ये पुल काफ़ी जर्जर हो चुका है। जहां देश में इस समय पुल की बात चल रही है, तो आपको दिखलाना चाहेंगे गांधी घाट की पुल है, ये देखिए किस तरह से टूटा हुआ है कि यहां कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये गांधी घाट का पुल पूर्ण रूप से, जो रेलिंग होनी चाहिए रेलिंग बना नहीं है, पता नहीं ये जो पुल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो देख रेख करने वाली कंपनियां हैं, आखिर क्या कर रही हैं, ये पुल आखिर क्यों नहीं बन रहा है। पुल से क्या है कि 24/7 बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। ये देखिए आप, इसी गड्ढे से हो के ये गाड़ियां भी गुजर रही हैं। ये जर्जर पुल कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है, लेकिन इस पर किसी संबंधित न तो PWD का नज़र इस पर पड़ रहा है, न तो इस पुल बनाने वाले लोगों की नज़र इस पर पड़ रही है। इंद्रेश पांडे, न्यूज़ यूग, मिर्ज़ापुर।